हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलिमा की छोटी बहू नंदनी के हाथ में बड़ा जादू था। वो जो भी कुछ बनाती बेहद स्वादिष्ट बनता, लेकिन एक चीज थी जिसे बनाने का सोचने में भी उसका मुंह उतर जाया करता, वो थे आलू के पकौड़े। क्योंकि ना उसे पकौड़े बनाना पसंद था और ना ही उसे बनाने आते थे। उसकी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन सभी लोग साथ बैठकर शाम की चाय पी रहे थे, तभी नंदनी का पति अरमान कहता है, माँ कुछ खाने के लिए भी दे दो। अभी चाय के समय पर तुझे भूख क्यों लग रही है? भूख नहीं, बस ऐसे ही कुछ मजेदार खाने को मन कर रहा है। कुछ गरम पकौड़े मिल जाते तो बढ़िया होता। देवर जी, सीधे सीधे कहिए ना कि पकौड़े खाने का मन है। आप सब इंतजार करिए, मैं अभी सबके लिए आलू के पकौड़े तैयार करके लाती हूँ। ना ना, बड़ी बहू तू बैठ। क्या हुआ माँ? अच्छा, पकौड़े तलने जा रही हो क्या? फिर रहने दो, क्योंकि आपके हाथों के बने पकौड़ों में वो स्वाद नहीं। उसके इतना कहते ही नीलिमा उसके सर पर जोर से मारते हुए कहती है, नालायक, माँ की बुराई करता है। मैं तो बहू से ये कह रही थी कि जब पकौड़े बनाने की बात उठी ही है तो क्यों नहीं आज छोटी बहू आलू के पकौड़े बनाए। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे भी नंदनी के हाथ की पहली रसोई के बने खाने का स्वाद अभी तक मेरी जुबान पर है। आहा, लाजवाब। मैं बनाऊं पकौड़े? पकौड़े नहीं, आलू के पकौड़े। सासू माँ, मैं बनाती हूँ ना। वैसे भी अगले हफ्ते से तो देवरानी जी रसोई का काम करने ही लगेंगी, तो अभी रहने ही देते हैं ना। अरे बड़ी बहू, सिर्फ पकौड़े बनाने के लिए ही तो कह रही हो, इसमें क्या बड़ी बात है? क्यों छोटी बहू, बना देगी ना। अब बेचारी नंदनी क्या जवाब दे कर उसे समझाती, लेकिन वो सभी के सामने सर हिलाकर रसोई की तरफ जाती है और कुछ आलू बर्तन में लेकर धोने लगती है और आलूओं को देखते हुए कहती है, आलू के पकौड़े, क्या यार पकौड़े खाने इनको। अब क्या कहूँ कि सब कुछ बनाने वाली को आलू के पकौड़े बनाने नहीं आते। वो मुंह बनाकर आलूओं को छीलने लगती है, तभी उसकी जेठानी प्रियल वहाँ आती है तो नंदनी का उदास चेहरा देखकर उससे पूछती है, तो नंदनी कहती है, वो जेठानी जी, बात ये है कि मुझे आलू के क्या, कोई भी पकौड़े बनाने नहीं आते और ना ही पसंद है पकौड़े। इसलिए अब तुम सोच में पड़ी हो कि कैसे बनाऊं पकौड़े, है ना? हाँ जेठानी जी, कोई बात नहीं, आज मैं पकौड़े बनाती हूँ और तुम देखकर सीखो, क्योंकि आज ना सही लेकिन कभी तो पकौड़े बनाने ही पड़ेंगे ना। थैंक यू जेठानी जी। प्रियल आलू के पकौड़े बनाना शुरू करती है और नंदनी बस उसे देखती रहती है। कुछ देर में जब गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनकर तैयार होते हैं तो प्रियल एक आलू का पकौड़ा उठाते हुए नंदनी को देती है। तो चक्कर बताओ कैसा बना है, नमक कम ज्यादा तो नहीं है? पर जेठानी जी, मैंने आपको बताया ना कि मुझे पकौड़े पसंद ही नहीं है। हाँ तो मैं कौन सा खाने को कह रही हूँ, बस चक्कर तो बताओ। प्रियल के कहने पर नंदनी आलू के पकौड़े चखती है और दो चार और उठाकर कहती है, ये तो बहुत टेस्टी है जेठानी जी, मतलब आलू के पकौड़े क्या इतने टेस्टी होते हैं। अरे अरे, अभी तो तुम कह रही थी कि पकौड़े पसंद नहीं है और अब कैसे स्वाद लेकर खा रही हो? वही तो, आपने ये आलू के पकौड़े बहुत ही बढ़िया बनाए हैं सच में। ओहो ठीक है, लो तुम आराम से बैठकर आलू के पकौड़े खाओ, मैं बाकी के बाहर देखकर आती हूँ। जरा वहाँ से केचप पकड़ा देना। अभी देती हूँ। इतना कहकर नंदनी केचप की बोतल प्रियल को दे देती है और बैठकर आलू के पकौड़े खाने लगती है। इस तरह प्रियल के बनाए आलू के पकौड़े उसे बहुत पसंद आते हैं और इस तरह वो आलू पकौड़े बनाने से ज्यादा खाने पर ध्यान देती है। समय बीतता है, जब भी उसका मन करता तो वो अपनी जेठानी से कहकर आलू के पकौड़े बनवाती और मजे से खाती। एक रोज वो सारे घर का काम अकेले कर लेती है और दोपहर के वक्त अपनी जेठानी से जाकर कहती है, जेठानी जी, सारा काम तो मैंने कर दिया है, तो मेरे लिए थोड़े आलू के पकौड़े तल दो। देवरानी जी, ये कौन सा समय है पकौड़े खाने का, खाना बना रखा है वो खा लो ना। खाने वाली भूख नहीं है ना जेठानी जी, मन कर रहा है आलू के पकौड़े खाने का। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम ज्यादा ही आलू के पकौड़े खा रही हो? सासू माँ को पता लगा ना तो खाने के साथ बनाने वाले की भी खबर लेंगी वो। प्रियल बोल ही रही थी कि तभी नीलिमा वहाँ आती है और अचानक कहती है, बहू एक बात बताओ, रसोई में सारी सब्जियाँ हैं लेकिन आलू बस दो चार पड़े हैं, कहाँ गए सारे आलू? वो सामने वाली कांता आंटी है ना, वो आलू मांगने आई थी तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो जबरदस्ती सारे आलू ले गई। दैया रे दैया, ये कलयुग के पड़ोसने घर से सब्जियां भी जबरदस्ती ले जाने लगी। पहले का जमाना ही ठीक था,
प्यार से कम मांग ही लिया करती थी। कोई बात नहीं सासू माँ, मैं शाम को बाजार जाकर ले आऊंगी। जेठानी जी, आज ना सही कल तो बनाओगी ना आलू के पकौड़े। प्रियल बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। शाम के समय नंदिनी आलू खरीदने के लिए बाजार जाती है, जहाँ वो 5 किलो आलू तुलवा लेती है और बाजार घूमते हुए वापस आ रही होती है, तो बाजार में उसे एक जगह पकौड़ों का ठेला दिखता है और वो वहाँ जाती है और कहती है, भैया आलू के पकौड़े कैसे दिए? 20 रुपए प्लेट मैडम। ठीक है, 2 प्लेट लगा दीजिए। थोड़ा समय लगेगा मैडम, अभी बनाने पड़ेंगे। हाँ हाँ कोई नहीं, आलू के पकौड़े खाने के लिए थोड़ा इंतजार तो मैं कर ही सकती हूँ। कुछ देर इंतजार करने के बाद नंदिनी आराम से आलू के गर्मा गर्म पकौड़े खाने का आनंद लेती है। तो वहाँ बहुत देर होने पर जब नंदिनी बाजार से घर नहीं आती तो उसकी सास प्रियल से कहती है, ये तेरी देवरानी बाजार से सब्जियाँ लेने गई है या बेचने? खाना बनाने का समय हो गया है, ये अब तक नहीं लौटी। मुझे क्या पता सासू माँ कहाँ रह गई। तभी नीलिमा बाहर जाती है और सब्जी का थैला लिए लौट रही पड़ोसन कांता को टोकते हुए कहती है, अरे ओ कांता, बाजार से आ रही है क्या? नहीं, मैं तो कीर्तन भजन करने गई थी, प्रसाद में सब्जियाँ मिल रही थी तो उठा लाई। हो गई नौटंकी, ये बता मेरी छोटी बहू कहीं दिखी थी क्या बाजार में? अरे हाँ, वो तो कल्लू पकोड़े वाले की दुकान पर आलू के पकोड़े खा रही थी, आ रही होगी। देवरानी जी भी ना आलू के पकोड़े खाने के पीछे पागल ही हो गई हैं। तू कहना क्या चाहती है बड़ी बहू? सासू माँ वो प्रियल अपनी सास को नंदिनी के आलू के पकोड़े ज्यादा खाने वाली बात बता देती है, और ये भी कि कांता आंटी के सारे आलू ले जाने वाली बात नंदिनी ने झूठ कही थी। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी घर आती है तो उसकी सास उसे घूरते हुए कहती है, आ गई आलू के पकौड़े खाने वाली, यहाँ हम भूखे बैठे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं, और ये है कि आलू के पकौड़े ठूस कर आ रही है। नहीं सासू माँ, कैसी बात कर रही हो, मैं तो बाजार में ना भटक गई थी, इसलिए घर आने में थोड़ा समय लग गया। देवरानी जी, बस कांता आंटी ने तुम्हें बाजार में देख लिया था, इसलिए अब झूठ मत ही बोलो। प्रियल के इतना कहते ही नंदिनी सर नीचे झुका लेती है। तभी नीलिमा कहती है, बहू इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात थी, और पहले भी आलू को लेकर तूने हमसे झूठ कहा है। सासू माँ, कुछ दिनों से मुझे आलू के पकौड़े बहुत अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन मुझे बनाने नहीं आते। आज मैंने जेठानी जी से कहा था, लेकिन घर में आलू ही खत्म हो गए थे। बाजार गई तो वहाँ आलू के पकौड़े देखकर खुद को खाने से रोक नहीं पाई। ठीक है, समझ गई मैं, जाओ दोनों खाने की तैयारी करो। और हाँ, अब से छोटी बहू तू आलू के पकौड़े तभी खाएगी जब तुझे बनाने आ जाएंगे। इतना कहकर नीलिमा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे नंदिनी अपनी जेठानी से आलू के पकौड़े बनाना सीखती है। रोमा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, वो जहाँ भी जाती हर कोई उसका दीवाना हो जाता था, जिसके चलते उसे अपने सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। उसके परिवार में उसके पिता रमेश और माँ गौरी थे। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन रोमा टिप टॉप होकर अपने कॉलेज जाती है। वहाँ उसको एक राहुल नाम का बहुत ही सीधा साधा लड़का रोकता है और कहता है, हे रोमा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। क्या है बोलो। I love you, रोमा। ओह हेलो, जमीन पे आ मिस्टर, शक्ल देखो पहले अपनी। यार प्लीज मान जाओ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा ना। ओके बेबी, ठीक है, लेकिन सोच लो, रोमा को गर्लफ्रेंड बनाना है यानी आग से खेलना है। तुम्हारे लिए तो मैं आग से खेल लूँ, तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं। बस इतना ही काफी है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रोमा आए दिन राहुल से कभी शॉपिंग की डिमांड करती तो कभी महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती। ऐसे ही एक रात दोनों गोल कर रहे होते हैं कि तभी रोमा राहुल से कहती है, बेबी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत सारा, जितना कि तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? वो सब कुछ जिससे तुम्हें सिर्फ खुशी मिले। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी आजमा लेती हूँ। ठीक है। तुम मुझे गर्ल्स की शॉर्ट ड्रेस पहन के मेकअप करके हॉट सा डांस करते हुए वीडियो बनाकर भेजो। क्या पागल हो गई हो क्या? अभी तो कह रहे थे कि कुछ भी करोगे, बस निकल गई हवा, इतनी ही थी तुम्हारी आश की। अच्छा वेट वेट, मैं अभी करता हूँ। कुछ देर बाद राहुल अपना एक वीडियो बनाकर रोमा को भेज देता है। अगली सुबह कॉलेज में जब वो जाता है
तो सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि रोमा ने उसका वो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड जो कर दिया था। राहुल जब इंटरनेट पर अपनी ये वीडियो देखता है तो वो हैरान हो जाता है और गुस्से से तिलमिलाता हुआ रोमा के पास जाता है। ये सब क्या है रोमा, क्यों क्यों किया तुमने ये सब? अपने मजे के लिए डार्लिंग। बकवास बंद करो, तुमने अपने मजाक के चलते मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुम तो प्यार करती हो ना मुझे, बोलो बोलो क्या किया ये सब तुमने? एक्सक्यूज मी, सपने से बाहर आ जाओ मिस्टर, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। तुमने मुझे कहीं का मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, यही सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, ओ आई मीन टू से इज्जत। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, राहुल अब डिप्रेशन में रहने लगता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। रोमा एक बहुत ही अमीर वीर नाम के लड़के से शादी कर लेती है और मुंबई में शिफ्ट हो जाती है। वीर अपने काम के सिलसिले में वहाँ से कहीं बाहर चला जाता है। एक दिन रोमा के फेसबुक पर नमन नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। नमन रोमा के करीब आने के लिए उसके सामने वाला घर खरीद कर उसका पड़ोसी बन जाता है। ऐसे ही एक रात नमन रोमा को फोन करता है और उससे कहता है, हे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस लेटी हूँ, अपने पति की कमी महसूस कर रही हूँ। तो जब तक क्या मैं तुम्हारे बेडरूम में आ जाऊँ? कभी इस दीवाने को भी मौका दो अपना प्यार दिखाने का। अच्छा जी, वैसे रोमा के दीवानों की कमी नहीं है, पर तुम कुछ खास ही लग रहे हो। अच्छा जी, तो फिर इंतजार किसका है, बोलो अभी आ जाता हूँ। कुछ देर बाद नमन उसके बेडरूम में आ जाता है, जहाँ देखता है कि रोमा एक हॉट सी ड्रेस पहनकर उसका इंतजार कर रही है। नमन उसको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तभी रोमा उसके करीब आती है और कहती है, क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ मुझे देखकर? करके बताऊं या बोलकर? जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे ही बता दो। तुम्हारा पति आ गया तो? ओ प्लीज, अभी मूड मत खराब करो उसका नाम लेके, इस टाइम को एंजॉय करो ना। क्यों, तुम्हें उससे प्यार नहीं? रोमा कभी किसी से प्यार नहीं करती, मैं तो सिर्फ वीर के पैसों से प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर खो जाते हैं। साथ ही नमन रोमा की सारी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेता है। वक्त बीतता जाता है और दोनों की नजदीकियाँ और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। एक दिन नमन रोमा को फोन करता है और उससे कहता है, हे जानेमन, मेरा पति वापस आ चुका है, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती। बेटा तुम बात भी करोगी और जो मैं बोलूँगा वो भी करोगी, तुम्हारे फोन पे एक वीडियो भेजा है, देख लेना जरा। रोमा जैसे ही अपने फोन पर वो वीडियो देखती है, उसमें अपने और नमन के साथ बिताए हुए वो सारे पल होते हैं। ये सब देखकर रोमा की तो होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से से नमन को फोन करती है और कहती है, ये सब क्या है नमन? तुम और मैं और क्या है? जी, कितने गिरे हुए हो तुम। मैं तो ऐसा ही हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या चाहते हो मुझसे? रात को वीडियो कॉल करना, तब बताता हूँ। ऐसे ही रात हो जाती है और रोमा नमन को वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है, क्या कहना है तुम्हें, बोलो। अपनी एक शॉर्ट ड्रेस पहनो और हॉट सा डांस करके दिखाओ और फटाफट मुझे वीडियो भेजो। ये सुनते ही रोमा को राहुल की याद आ जाती है, जिसके बाद वो नमन से कहती है, मैं ये सब नहीं करूँगी। अभी ये वीडियो भेजो तुम्हारे पति को। नहीं, मैं भेजती हूँ। कुछ देर बाद रोमा वीडियो बनाकर नमन को भेज देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन उसके पति वीर के फोन पर व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से वीडियो आता है और वो वही वीडियो होता है जो रोमा ने नमन को भेजा था, जिसे देखकर वीर गुस्से से लाल पीला हो जाता है
और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखो क्या है ये? ये वीडियो तो मैंने ही आपको भेजा था ताकि आपका मूड चेंज हो जाए। तो नंबर बदल कर क्यों भेजा? हाँ, क्योंकि मेरे दूसरे नंबर पर ना नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, इसलिए नया नंबर लिया है मैंने। तभी वहाँ नमन आ जाता है और बोलता है, झूठ बोल रही है आपकी बीवी, वो वीडियो आपकी बीवी ने नहीं बल्कि मैंने भेजा है। रोमा कौन है ये? रोमा तुमने बताया नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, मैं नमन हूँ, आपका पड़ोसी और आपकी बीवी का आशिक, और ये वीडियो आपकी बीवी ने मेरे मनोरंजन के लिए भेजी है, और भी है कहो तो अभी दिखा दूँ। क्या बकवास कर रहा है वीर, ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो इसे जानती तक नहीं। हेलो मिस्टर, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की होके किसी सीधे साधे लड़के की इज्जत का मजाक बनाती हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि क्या बिगाड़ा था मेरे छोटे भाई ने, राहुल तुमसे इतना प्यार करता था और तुमने उसके साथ ये सब किया। तब नमन वीर को रोमा की सारी असलियत बताता है, साथ ही उसे वो ऑडियो क्लिप भी दिखाता है जो उसने उस रात रिकॉर्ड किया था। इस सब के बाद वीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोमा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करते हुए, औरत के नाम पर कलंक हो तुम। वीर पुलिस को कॉल करता है, कुछ ही देर में पुलिस आकर रोमा को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाती है, साथ ही नमन भी अपने भाई की मौत का बदला पूरा करता है और रोमा सारी उम्र अपने पछतावे की आग में जलती रहती है। और इस तरह उसे ये बात समझ आ जाती है कि हमें किसी का भी इतना ज्यादा और इस कदर मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम पर बीतती है तभी हमें समझ आता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये पड़ोसन की ब्लैकमेलिंग? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो लोगों का इस कदर मजाक बनाती हो? तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।